भैया कमरे के अंदर वीडियो तो हमने काफी बना ली और काफी स्लो मोशन और काफी हमने सिनेमैटिक भी और ट्रैवल भी बना लिया, पर जिससे हम बना रहे हैं कभी उसकी बात तो हमने कभी करी नहीं। तो भैया यह है मेरा 750D जो अब से मैंने 3 साल पहले खरीदा था और जो भी कुछ है आज मैं इसकी वजह से हूँ। तो इस कैमरे की जितनी भी मैं बात कर लूँ भाई ये कम ही कम है। तो अब से 3 साल पहले हमने इस कैमरे को लिया था पर हमने सोचा नहीं था कि इस कैमरे को हम इस तरीके से यूज़ कर पाएंगे, जो कि आज तक इसने हमारा इतना साथ दिया है। तो एक तरीके का ये हमारा बहुत क्लोज दोस्त बन चुका है, बाकी इतने दोस्तों ने हमारा साथ छोड़ा है पर भाई इसने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। तो भैया बात करें इसकी औकात की, नहीं नहीं औकात थोड़ा सा इसको बुरा लग जाएगा, तो भैया बात करें इसकी क्वालिटी की, तो क्वालिटी इसकी ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी हाई है, पर फोटो क्वालिटी इसकी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। वीडियो में थोड़ा फोकस छोड़ देता है, उसकी प्रॉब्लम हमें नहीं है, हम दोनों मैनेज करके चल रहे हैं। तो भैया बात फिर हमने इसकी क्वालिटी की करी ली है, तो काफ़ी टाइम से हमने अपने चैनल पे ज़रा अपना कोई स्लो मोशन नहीं डाला, तो आपको एक पीछे से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होगी और भैया जहाँ पर वो ड्रॉप डलेगा ये तो थी इसकी एंट्री लेवल जो कि थोड़ी सी हाई थी, पर कोई नहीं लाइक कर देना। तो बाकी बात आती है भाई जहाँ पे हम बैठा हुए हैं, तो लोकेशन तो हमें दिखानी होगी, पर बैठे हम कहीं और है, लोकेशन जहाँ पे हमने शूट किया है। ले चलो भैया, जब मैंने इसको लिया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना कुछ कर पाऊँगा। इसने मुझे वो चीज़ें करा दी जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। पहले मैंने खाली इसको एक शौक पे लिया था, खाली मुझे एक शौक था कि कैमरा लेना है, ठीक है। उसके बाद में हमने कुछ ट्राई करा, कुछ शूट लिए, कुछ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लिए, तो तब जाके हमें समझ में आया कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेन है, हम कुछ कर सकते हैं इससे। तो मुझे लगता है कि आई थिंक ये मेरे साथ नहीं होता ना तो मेरी लाइफ अभी यहाँ तक नहीं होती। इतना मुझे पता है कि खाली मैंने इसको एक शौक में लिया था, पर एक शौक जो था ना वो पता नहीं चला कि कब जुनूनियत सी बन गई हमारी। हम आगे 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 जितना हमें पहले हमने एक छोटे से पॉइंट से स्टार्ट किया था जहाँ पे मुझे पता है कि एक मेरे को फ्रेम भी नहीं पता था कि कैसे लिया जाता है, पर कोशिश करते 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 आज वो बंदा जो बिगनर था बिगनर से वो थोड़ा प्रो हो चुका है। तो भाई जितनी मेहनत हमारा कैमरा करता है ना उससे ज़्यादा मेहनत हमारे दोस्त भी करते हैं जिन्हें जिनसे आपको हमें अभी मिलाना है। तो भाई सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला इंसान हमारा ये हमारा दोस्त पिंटू, उसके बाद में आते हैं हमारे दोस्त मोंटी भाई, जो कि भाई आज सुबह से हमारे साथ में करा इन्होंने कुछ नहीं, बस बेर खाए ज़्यादा से ज़्यादा और करा कुछ नहीं। अरे बेर, हम आए और हमने बेर तोड़ के स्टार्ट जो करा है हमने अपने आकाश भाई को भी खिलाए और पिंटू को भी खिलाया और खुद भी खाए। कम से कम हम यहाँ पे इस लोकेशन पे हम 2 घंटे पहले पहुँच चुके थे, पर शूट हम 2 घंटे के बाद करते, इससे पहले जो हमने करा है भाई हमने खाए बेर, तो कुछ क्लिपे वो भी दिखाई देते। तो भैया ये थी हमारी हमारे इस अनमोल रतन की थोड़ी सी छोटी सी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कमेंट कर दीजिए।